विवाद विवाद विवाद, काशी मथुरा मंगलुरु मंदिर मस्जिद को लेकर मचा है बवाल, तो मैं लेकर आया हूँ इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूँ मनीष अवस्थी, हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में सच की तलाश पर आज जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई इस बात की हुई कि ज्ञानवापी मामले पर मुकदमा चलने योग्य है या नहीं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मेंटेनेबिलिटी ऑफ केस। सभी को उम्मीद थी कि आज इस बात पर फैसला आ जाएगा, लेकिन निराशा हाथ लगी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई सोमवार यानी 30 मई तक टाल दी है। इस मामले पर अब 30 मई को सुनवाई होगी कि क्या ज्ञानवापी मामले पर मुकदमा चल सकता है या नहीं। आज कोर्ट में करीब 1.5 घंटे तक इस मामले में बहस चली, जिरह हुई। हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने दोनों दो बार बारी बारी से अपनी दलीलें रखी। दोनों पक्ष ने अपने अपने दावे कोर्ट के सामने पेश किए। इस मामले में दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में शिवलिंग के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, इस मामले में मुस्लिम पक्ष की यह दलील थी कि 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत ये मामला बनता ही नहीं है। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को खारिज करने की मांग भी कर डाली। वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष ने दलीलें दी कि उसके पास ये साबित करने के पूरे सबूत है, और वो भी पुख्ता है, कि ज्ञानवापी का मामला 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। इस बीच कोर्ट ने ज्ञानवापी का सर्वे करने वाले कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को भी तलब किया। ये पूरी कहानी सुना रहा हूं कि आज अदालत में हुआ क्या, उनसे भी बातचीत की। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी। इस मसले पर आज हमने अपने मेहमानों से बात करने के लिए एक बड़ा पैनल बुलाया। इससे पहले आ रही एक बड़ी खबर, बड़ी खबर, ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष ने लगाया आरोप, शिवलिंग से हुई छेड़छाड़, मुस्लिम पक्ष ने कहा अफवाह न फैलाए। इस वक्त की बड़ी खबर, मुस्लिम पक्ष ने शिवलिंग के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। वापसी से जुड़ा हुआ मामला, अदालत ने आज दोनों पक्षों की दो दो बार सुनवाई के बाद सोमवार यानी 30 तारीख को फिर एक बार सुनवाई के लिए तारीख रखी है, जहां पर आखिर ये मसला ज्ञानवापी मसला मेंटेनेबल यानी कि अदालत सुने या नहीं, योग्य या अयोग्य को लेकर, वर्शिप एक्ट पूजा स्थल उपासना के पूजा स्थल को लेकर 1991 के विधेयक की बात का हवाला देते हुए। आइए, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए, और जाहिर सी बात है ज्ञानवापी का मसला है तो बहस भी होगी, इस पर हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ डॉक्टर टीना शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी। डॉक्टर टीना, आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नाकर सिंह भी जुड़ेंगे। हमारे साथ सैयद मुजाहिद अली नकवी साहब, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ हैं। सलाउद्दीन शिबू साहब, अधिवक्ता हैं, लखनऊ हाई कोर्ट के, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ स्वामी विष्णु विनोदम महाराज, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। और हमारे साथ इस वक्त ताज़ा जानकारी के लिए वाराणसी से हमारे अपने संवाददाता मदन मोहन शर्मा हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। मदन, वाराणसी से फिर एक बार बड़ी खबर की 30 को होगी सुनवाई। अदालत ये तय करेगी कि आखिर ये मसला ज्ञानवापी का मेंटेनेबल यानी कि योग्य है या नहीं। मदन,
जी सर बिल्कुल, ये बताना चाहूंगा जिस तरह से ज्ञान बापी श्रृंगार गौरी का मामला था और पूजा अर्चना को लेकर के और वहां पे जो मौजूद विग्रहों को लेकर के जो एक बात दाखिल किया गया था जिस पे लेकर के जो जिला जज के अदालत में जो है ये मामला गया था जिस पे लेकर के या कमेंटेबल है या नहीं है इसको लेकर के जो है ना आज इस पे जो है ना सुनवाई होनी थी, जिसमें अगर का बात किया जाए तो 7/11 के तहत जो है आज सुनवाई की गई। मुस्लिम पक्षकारों को जो है अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया। लगभग 2 घंटे से ज्यादा का जो है बहस चलने के बाद जो है कोर्ट ने जो है अगली तारीख 30 मई को जो है ना मुकर्रर कर दिया, यानी कि 30 तारीख को जो है ना अगली सुनवाई होगी। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो आज जो है लगभग 2 घंटे से ज्यादा जो है कोर्ट में बहस चली है और मुस्लिम पक्षकारों ने अपना पक्ष रखा है 7/11 के तहत में। तो उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो वही हिंदू अधिवक्ता के द्वारा एक सवाल भी उठाया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिस तरह से वहां पे ज्ञान बापी मस्जिद के अंदर में जो बजुखाने के अंदर जो शिवलिंग मिला है उस शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ किया गया है, तो वही मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि इसे जो है अफवाह न फैलाया जाए। तो ये सब तमाम चीजें जो है ना आज निकल कर आई। लगभग गहमा गहमी के बीच जो है कोर्ट में परिसर में अगर कहा जाए तो जो है ये सुनवाई शुरू हुई और 2 घंटे से ज्यादा आज बहस चली है। जी सर। मदन, एक छोटा सवाल, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, हिंदू पक्ष का क्या कहना है और मुस्लिम पक्ष क्या चाहता है? हाँ जी बिल्कुल सर, जिस तरह से ये बताना चाहूंगा कि आज जो है कहा जाए तो 7/11 के तहत जो है पहले मुस्लिम पक्षकारों को जो है ना बात करने के लिए रखा गया था, मुस्लिम पक्षकारों ने अपनी बात को रखा है। तो आज जो कहा जाए तो इसमें जो अधिवक्ता कमिश्नर थे कोर्ट ने उनको भी तलब किया था, उनको जो बुला करके उनसे भी जानकारी लगा। हालांकि जो हिंदू पक्षकार के जो थे उनको अभी जो है नेक्स्ट यानी कि जो अगली सुनवाई जो 30 तारीख होगी उसमें उनकी बातों को सुना जाएगा। आज जो है मुस्लिम पक्षकारों ने अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष में रखा है। जी मदन, आपके पास ताज़ा जानकारी के लिए लगातार आते रहेंगे। 30 तारीख अगली सुनवाई की तारीख रखी गई है, जब अदालत फिर एक बार सारे पक्षों को सुनेगी, दोनों पक्षों को सुनेगी और ये तय करेगी कि ये मसला ज्ञानवापी का योग्य है या अयोग्य, सुनने के लायक है या नहीं, यानी कि मेंटेनेबल है या नहीं। मदन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अपने पैनल की ओर। हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चूंकि मसला आज अदालत में दोनों पक्षों ने रखा, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने रखा, विनोदम महाराज धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। विनोदम जी, मेरा सवाल आपसे, मुस्लिम पक्ष कहता है कि वर्शिप एक्ट के तहत हो सुनवाई और वर्शिप एक्ट कहता है कि इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं, कोई बदलाव की कोई गुंजाइश दिखाई भी नहीं देती, क्योंकि यह संविधान द्वारा बना हुआ कानून है जो कि 15 अगस्त 1947 के पहले के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ मुस्लिम पक्ष कहता है कि सर्वे अवैध है। जी आपकी बात सही है, लेकिन जैसा कि देखा गया है कि धर्म बहुत बड़ी चीज है और सनातन धर्म बहुत बड़ी चीज है, वहां वो मंदिर में मस्जिद होने का कोई सवाल ही नहीं है, सब लोग जानते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी विषय पर लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है हिंदू मुसलमान। दो जगह हैं, एक कृष्ण जन्मभूमि और एक यहाँ काशी। मेरे हिसाब से इनको भी समझते हुए काम करना चाहिए मुस्लिम समाज को कि यहाँ विवाद ना ही कोर्ट के पास जाए ना ही कहीं और जाए, ये विवाद आपस में बैठ के सुलझा लिया जाए। वो ये इसलिए मैं इनको सलाह दे रहा हूँ क्योंकि आप जानते होंगे राम तो मर्यादित हैं, मर्यादा में रहते हैं, जैसा हमारे यहाँ बताया गया है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, लेकिन देखा गया है शिव जी मर्यादा में नहीं रहते और कृष्ण को भी देखा गया है कि उनको भी किसी मर्यादा में नहीं रहते हुए देखा गया, वो मर्यादा तोड़ते हैं। तो वही चीज है कि अगर ये चीजें सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं आज आप देख भी रहे होंगे पूरा हिंदू समाज मजबूत भी हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी उसको फोर्स भी बहुत बड़ी दे रही है, इसी वजह से कहीं देश में कोई बड़ा बवाल ना हो, मुझे ऐसा लगता है इस मसले को ये दोनों समाज बैठ के सुलझा लें और काशी और मथुरा को इन लोगों को हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो मसले हैं ना ये कोर्ट भी मेरी ख्याल से नहीं सुलझा सकती इन मसलों को, ये खाली विवाद बनवाएगी और विवाद बनेगा तो फिर मेरे कोर्ट ले कौन गया है? अरे सर ये बताएं, विवाद को कोर्ट ले कौन गया है? विवाद को कोर्ट आप ले गए, विवाद को कोर्ट आप ले गए, हम नहीं गए।
मैंने जिस मसले पे 1968 में समझौता कर चुके हैं आप, उस मसले को दोबारा आपने खोला है। देखिए मैं तो दोनों, और आप जो बात कह रहे हो सही है कि इस टाइम बीजेपी मजबूत हो गई है, सरकार मजबूत हो गई है, इसलिए इस तरह के मामले उठाए जा रहे हैं। ये इस बात में हकीकत है, ये तो हम मानते हैं कि इस टाइम आपकी सरकार है, आप जो चाहो ले लो। नहीं, मेरा तो मेरी सरकार होती तो हम सरकार में होते, मेरा सरकार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अभी आपने कहा इस टाइम बीजेपी सरकार मजबूत है, हम लोग मजबूत हैं। आप देखो ना हिंदू, अरे संत साहब सिर्फ ये बताइए कि देश ये लोकतंत्र आस्था से चलेगा कि कानून से चलेगा? लोकतंत्र में आस्था सर्वोपरि है, कानून सर्वोपरि है, बताइए। देखिए मेरे हिसाब से कानून की अपनी जगह है लेकिन आस्था की अपनी जगह है। कानून तो हो सकता है 10 20 50 साल से चल रहा होगा, सर्वोपरि कौन है ये बताइए, सीधा सीधा जवाब दीजिए। नहीं, धर्म अपने आप में बहुत सीधा सीधा जवाब दीजिए। सीधा सवाल यही है कि धर्म अपने आप में, हमारा धर्म अपने यानी, आप में यानी लोकतंत्र में, यानी लोकतंत्र में कानून सर्वोपरि आप नहीं मानते हैं? नहीं, कानून की अपनी जगह है, कानून को तो कानून की अपनी जगह है, कानून की अपनी, मैं सर्वोपरि पूछ रहा हूँ, जगह नहीं पूछ रहा हूँ। सर क्या पूछ रहे हैं साहब? मैं जगह नहीं पूछ रहा हूँ, सर्वोपरि क्या है वो बताइए। नहीं, सर्वोपरि तो हमारे लिए धर्म है प्रभु, हमारे लिए धर्म है, कानून नहीं। यानी कानून को आप नहीं मानते हैं? नहीं, कानून को मानते हैं, कानून के द्वार पे। आपने मानने वाली बात नहीं की, फिर आप क्यों गए कानून के द्वार पे जब आप कानून को मानते ही नहीं है? नहीं, मैंने मानने वाली बात नहीं की, तो क्यों गए कानून के दरबार में? लर्नेड काउंसिल, लर्नेड काउंसिल सलाउद्दीन शिबू साहब, मंदिर में जाके पूजा करिए, भगवान से मांगिए। सलाउद्दीन शिबू साहब, ये आपका क्रॉस एग्जामिनेशन, शिबू साहब आपका क्रॉस एग्जामिनेशन। मुझे ऐसा लगता है स्वामी विष्णु विनोदम महाराज जी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे कि आप जिस अंदाज, जिस तरीके से, जिस सलीके से आप कानून के तहत बात कर रहे हैं। स्वामी जी का अपना मानना है, उनकी अपनी राय है। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता डॉक्टर टीना शर्मा है। डॉक्टर टीना विनोदम महाराज को आपने सुना, वो कह रहे हैं इस समय बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मजबूत सरकार है। हाँ, ये सारी तो बातें बैठ कर कर लेनी चाहिए, अदालत में ले जाने की क्या जरूरत है? तो ऐसे ही ले लो सारी चीजें, तो ये अदालत में तो आप ही गए सरकार, हिंदू पक्ष किया है, हम लोग कहाँ गए अदालत में, मुस्लिम पक्ष कहाँ गया है? डॉक्टर टीना, या तो इनकी जानकारी का अभाव है। क्या मैं बोल सकती हूँ? जी डॉक्टर टीना, आप अपनी बात रखें। मिस्टर अवस्थी, ऐसा है कि देखिए, जहाँ धर्म और कानून की बातें कर रहे हैं, मैं कहूंगी कि धर्म मानने वाले कानून को कॉइन की तरह देखते हैं और कानून मानने वाले धर्म को कॉइन के दूसरे हिस्से की तरह देखते हैं। अगर ये दोनों लोग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में दोनों चीज़ों को ले रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं ये ह्यूमन एंगल को मिस आउट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आप एक बार, मेरी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ज्ञानवापी का विकिपीडिया खोल के देखिए, क्योंकि जब से ये डिबेट शुरू हुई है, डिबेट सर प्लीज मुझे बोलने दीजिए, आपको आपका पूरा समय आपको मिला है, आप बोले हैं, आप मुझे बोलने दीजिए। और जैसे ही आप ये देखेंगे, आप विकिपीडिया खोलेंगे, क्योंकि बहुत समय से ये डिबेट चल रही है मनीष, तो हम इस पर चर्चा करते हैं, चर्चा के साथ हमें कहीं ना कहीं उन एंगल्स को, उन फैक्ट्स को भी लेना पड़ेगा। पहले हमने 12वीं शताब्दी की बात की थी मनीष, पिछली डिबेट में आपके साथ ही, कि 1194 में जो है वो किस तरह से ये विवाद खड़ा हुआ, कैसे 16वीं शताब्दी में आया और कैसे कैसे चीज़ें बढ़ी। लेकिन अगर प्री मॉस्क हिस्ट्री आप देखें, आप ये भी देख सकते हैं कि उसमें पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स डोंट लाए, फोटोज डोंट लाए, मेमोरीज डोंट लाए, and we all know that you know there are pictures which has been taken in 1996 94 16vi shatabdi 14vi shatabdi aur ye vivad koi aaj ka nahi hai 1991 se hi vivad chal raha hai pre mosque history mein agar aap padhenge ki aurangzeb ne kaise isko banaya babri masjid ko todte hue puri duniya ne dekhi thi sir please us picture ko aap bhul jate hain बाबरी मस्जिद को तोड़ते बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट सर आ चुका है आप बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट सर आ चुका है आप एडवोकेट है मुझे इस पे बहुत डाउट होता है सर
वर्डिक्ट मुझे इस पे डाउट है कि आपको बाबरी मस्जिद के वर्डिक्ट के बाद भी आज आपको बाबरी मस्जिद याद आ रहा है, आपको अभी थोड़ी देर में गोधरा याद आने लग जाएगा, इसके बाद आपको कहीं ना कहीं अयोध्या याद आने लग जाएगा। सर आप पिक्चर डोंट लाई, मैं यही बता रहा हूँ, पिक्चर डोंट लाई, आप हमेशा इसी पे विश्वास करते हैं। फैक्ट्स डोंट लाई सर, फैक्ट्स डोंट लाई। आप ज्यादा चिल्ला के बोलेंगे, आप चिल्लाने का काम कर सकते हैं, मेरे को चिल्लाना नहीं है। मैं आपसे दो बातें कहना चाहती हूँ कि आपने कहा बाबरी मस्जिद की पिक्चर्स देखी थी ना, आप क्यों नहीं गए पेटिशनर बनके कोर्ट में बाबरी मस्जिद के समय में, जब बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट आ चुका है, आज उसको आप गाना चाहते हैं क्योंकि आपको वैसा सूट करता है, लेकिन मुझे सूट नहीं करता। मैं लोगों को कह रही हूँ, मैं कोई अपने फैक्ट्स नहीं दे रही हूँ, मैं लोगों को कह रही हूँ। सर आप यहाँ पर आप टेलीविजन पे लोगों को भरमा सकते हैं लेकिन फैक्ट्स को मोल्ड नहीं कर सकते हैं। और रही बात कोर्ट जाने की और ना जाने की, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये टेबल पे सुलझने वाले ऐसे ही मुद्दे होते तो हमें सीए एनआरसी लाने की जरूरत नहीं होती सर। पूरा देश भ्रम में, हिंदुस्तान में सीएए और एनआरसी नहीं लाना पड़ता हमारी सरकार को, अगर टेबल पे बैठ के मुद्दे सुलझाने की बात होती है। आप जो है वो शिवलिंग के ऊपर एक ऐसी बुजू घर बनाते हैं जहाँ पर आप लोग बाबरी मस्जिद आप लोग कुल्ला करते हैं। काशी मथुरा आपके एजेंडे में है, आपके पास और है इसके अलावा कोई काम? इसके अलावा कोई काम है? लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, तड़प तड़प के ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है? सलाउद्दीन शिबू साहब, डॉक्टर टीना शर्मा सर, आपको मैं एक बात बता दूं कि 2014 के मैंडेट में भारतीय जनता पार्टी के, अगर आपने मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा हो, जो जो काम थे उन कामों पे हमें वोट दिया गया, उन कामों को हमने किया। 2019 का मैंडेट आप एक बार उठा के पढ़ लीजिए, हम वही आपके काम गिना रहा हूं मैडम, मैं आपके काम गिना रहा हूं। 2024 का चुनाव अगर हम जीतेंगे, मैं आपके काम गिना रहा हूं। 2024 का अगर चुनाव हम जीतेंगे, आपके काम गिनाए, अगर हम जीतेंगे तो हम अपने मैंडेट पे सही काम कर रहे हैं सर। डॉक्टर टीना लर्नेड काउंसिल सलाउद्दीन शिबू साहब, वी हैव टू लुक फॉरवर्ड, 30 तारीख को अगली सुनवाई है। डॉक्टर टीना सलाउद्दीन जी, आई एम ओनली आंसरिंग हिम, ही हैज जी जी, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे साथ डॉक्टर टीना सलाउद्दीन जी, सलाउद्दीन साहब, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ दो और मेहमान है, रत्नाकर सिंह जी और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ रत्नाकर सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता है। रत्नाकर जी, आपकी तत्कालीन सरकार जिसके मुखिया नरसिम्हा राव थे, स्वर्गीय नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री रहे, एक कानून आया 1991 का, उसको लेकर जिरह चल रही है। ज्ञानवापी मसले को सुना जाए या नहीं, सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं। रत्नाकर जी आवाज आ रही है आपको? रत्नाकर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रोफेसर जोशी आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है जी? आपकी आवाज बिल्कुल साफ है। प्रोफेसर जोशी, अदालत ने सुनवाई की, दोनों पक्षों को बारी बारी से सुना, 2 घंटे चली सुनवाई। 1991 को लेकर, वर्शिप एक्ट यानी उपासना के पूजा स्थल को लेकर जो विवाद बना हुआ है, हिंदू पक्ष क्या चाहता है, मुस्लिम पक्ष क्या चाहता है, लेकिन आप सियासतदान हैं, सियासत ना करें। देखिए मनीष जी, मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी और हमारे जो नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी, वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सौहार्द की लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर हम कहना चाहते हैं, आपकी जो बात का जवाब देने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहेंगे, और जब हम इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो हम पाते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश पर आई है, एक वेब सीरीज चल रही है, और वेब सीरीज किस चीज की चल रही है? मंदिर, मस्जिद, मीनार, महल। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, अभी ये ज्ञानवापी तक मामला नहीं रुकेगा, अभी ये मामला आगे तक जाने वाला, ताजमहल, मथुरा और क्या कुतुब मीनार और जामा मस्जिद, ये इनके आने वाले एपिसोड है। और इस जो वेब सीरीज है, इसके प्रोड्यूसर भारतीय जनता पार्टी है और डायरेक्टर आरएसएस है।
निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, आज बड़ा दुख का विषय होता है जब हम देखते हैं जिस सरकार को जिम्मेदारी थी महंगाई को घटाने की, जिसको थी युवाओं को रोजगार देने की, जिसको जिसको थी हेट पॉलिटिक्स को दूर करने की, वो और जिसको जिम्मेदारी दी थी कि परीक्षार्थी, क्योंकि जो परीक्षा है वो रद्द ना हो, शिक्षा माफिया के कारण वो लीक हो रही है, रद्द हो रही है। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ जिस सरकार पे आम मुद्दों, आम जनता के मुद्दों से सरोकार होकर लड़ने की जिम्मेदारी थी, और निश्चित तौर पे जिन्हें लोगों ने उत्तर प्रदेश में और देश में जोड़ने का काम चला दिया था, आज वो कहना चाहता हूँ आपके गंभीर चैनल के माध्यम से, मनीष जी आपके सम्मान करते हुए कहना चाहता हूँ, बड़ा दुख होता है जब उत्तर प्रदेश और भारत को ये लोग खोजने चले, जिनको जोड़ने की जिम्मेदारी है वो लोग खोजने चले। और मैं कह चुका हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के सौहार्द को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कोर्ट का फैसला आएगा वो हमें मंजूर होगा, और हम निश्चित तौर पे इस देश के संविधान और कोर्ट पे, न्यायालय की व्यवस्था पे, मैं खुद कानून का विद्यार्थी हूँ, कानून पढ़ता भी हूँ, कानून पढ़ाता भी हूँ, तो निश्चित तौर पर हम लोग कानून को जो इम्प्लीमेंट करने का काम, मैं सहयोग करने का काम। जी जी, सलाउद्दीन शिबू साहब, हम दर्शकों के लिए चाहेंगे, आप लर्नेड काउंसिल हैं, 1991 एक्ट आखिर है क्या, वो क्या प्रावधान है? हिंदू पक्ष कहता है, मुस्लिम पक्ष कहता है कि इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसा था जी, जी जी जी, मैं आपको वाजे कर दूं कि इस मुल्क के अंदर लगभग 100 साल तक के बाबरी मस्जिद का तनाजा चला, और जो हिंदुस्तान के अंदर वैमनस और भाईचारे को नुकसान हुआ, और उसको देखते हुए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, 1991 में एक एक्ट लाया गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल की शक्ल जो थी वही रहेगी, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, स्पष्ट कानून बनाया गया और इसको कभी चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो वही हमारा कहना है कि जब किसी विषय पर स्पष्ट कानून आ चुका है तो उस पर आप दावा दाखिल करते हैं और दावा एडमिट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कसूर ढूंढकर पैदा किए जफा के लिए। और मैं एक चीज और बता दूं आपको कि जिस मुल्क में, जिस समाज में जो लोग इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं, कानून की कुर्सी पर बैठे हैं, अगर वो इंसाफ नहीं करते हैं तो वो समाज और वो देश वीरान हो जाया करते हैं। इस वक्त पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान की जुडिशरी की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रही है, और उसको लगता है कहीं ना कहीं कोई आस अभी जो बाकी है वो सिर्फ जुडिशरी में बाकी है। जनाब सलाउद्दीन साहब, वर्शिप एक्ट पर बात हो रही है, तो इसमें जो प्रावधान है बदलाव से जुड़ी याचिकाएं बंद हो जाएंगी कि धार्मिक स्थल के किसी बदलाव को लेकर कोई याचिका अदालत नहीं सुनेगी, क्या ये प्रावधान है? क्या ये प्रावधान है कि आंशिक बदलाव पर भी रोक है? ये याचिका नहीं, आंशिक बदलाव पर भी रोक है, ये याचिका ही अपने आप में पोछड़ी नहीं है। आपने कहा ना मेंटेनेबिलिटी, तो ये मेंटेनेबिलिटी हो ही नहीं सकती है। अगर ये शुरू हो जाएगा तो अभी आप देखिए मथुरा शुरू हो गया, ताजमहल शुरू हो गया, कुतुब मीनार शुरू हो गया, कर्नाटक में कुछ शुरू हो गया, 3 करोड़ देवी देवता है हर जगह, कुछ ना कुछ निकलता रहेगा, तो ये तो प्रोसेस कभी खत्म ही नहीं होगा। इसी चीज को खत्म करने के लिए कि ये चीजें दोबारा ना पैदा हो आजाद भारत के अंदर, आज लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, दोबारा हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खतरे में ना पड़े, आपसी भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब बनी रहे, इन सबको सोच के हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कानून बनाया था। जो लोग पार्लियामेंट में कानून बनाने वाले थे, प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। रत्नाकर जी, कैन यू हियर मी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल पूछिए, आवाज आ रही है आपकी? जी रत्नाकर जी, 1991 का मसला है वर्शिप एक्ट, उपासना पूजा स्थल का अधिकार, इसको लेकर आपके तत्कालीन नेता और देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव ने उनकी सरकार के दौरान जो कानून आया था उसको लेकर बखेड़ा बना हुआ है। हिंदू पक्ष कहता है कि ज्ञानवापी की हमारी जो अपील है उसकी सुनवाई की जा सकती है, मुस्लिम पक्ष कहता है कि ना, इसके लिए कोई जगह नहीं। देखिए मनीष जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो 1991 वाला एक्ट जो लाया गया था नरसिम्हा राव की सरकार में, वो क्यों लाया गया था, वो एक महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस समय बाबरी मस्जिद का जो ये और राम जन्मभूमि का मामला जो विवाद जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा था इस देश में,
आपसी भाईचारे का जहाँ पे देखने को आ रहा था कि कटुता बहुत सारी बढ़ती जा रही है, मस्जिदों को खतरा होते जा रहा था और मंदिरों को खतरा होते जा रहा था, तो हमारी सरकार ने एक एक्ट लेके आई जो 1991 एक्ट लेके आई, जहाँ पे ये कहा गया कि आप जो है 1947 के बाद की जो भी मस्जिदें बनी है या मंदिरें बनी है वो एज इट इज रखी जाएंगी, उस पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, सिर्फ उसमें अयोध्या का जो है वो उसको एक दूसरी निकाला गया था, बाकी सारी मस्जिदें और मंदिरों को वो कोई भी डिमोलिश या कहीं भी कोई रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा। ये इसलिए लाया गया था क्योंकि ये आपसी जो है भाईचारा देश में बना रहे और कहीं पे भी हिंदू मुसलमान का जो विवाद है वो कहीं बढ़े नहीं, क्योंकि देश में हजारों की तादाद में लाखों की तादाद में मंदिर है मस्जिद है, बहुतायात लोग यहाँ पे रहते हैं। रत्नाकर जी मुझे एक ब्रेक लेना है, रत्नाकर जी मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है जी। अब ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी है जी। अब ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि वर्शिप एक्ट के तहत हो सुनवाई, मुस्लिम पक्ष कहता है, हिंदू पक्ष कहता है मंदिर तोड़ बने मस्जिद। जी हाँ, इसी पर चर्चा और बहस जारी है, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ सारे मेहमान, हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता डॉक्टर टीना शर्मा, हमारे साथ अधिवक्ता सलाउद्दीन शिबू साहब, हमारे साथ स्वामी विष्णु विनोदम धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। स्वामी जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़ बनी मस्जिद, सर्वे की रिपोर्ट पर भी सुनवाई हो क्योंकि सर्वे कराया गया और इसके साथ साथ पूजा का हक मिले। हम तो पूजा करना चाहते हैं, आप मस्जिद मत तोड़िए, हमें पूजा का अधिकार दीजिए, साल के 365 दिन हमें पूजा करनी है। स्वामी जी आपको आवाज आ रही है? जी जी, आपने मेरा सवाल सुना, एक बार दोबारा से दोहराइए। जी मेरा सवाल आपसे था, हिंदू पक्ष चाहता है, हिंदू पक्ष कहता है कि सुनवाई हो, ये मसला मेंटेनेबल है यानी योग्य है सुनवाई के, हम तो पूजा का अधिकार चाहते हैं, ये जो मस्जिद बनी ये मंदिर तोड़कर बनी और सर्वे रिपोर्ट पर भी सुनवाई हो क्योंकि वो अदालत द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर का सर्वे था। जी जी, अब सारी चीजें तो आप खुद कह रहे हैं, इसमें मुझसे सवाल क्या हुआ, मेरे को क्या कहना है इसमें, तो ये क्लियर बात हिंदू समाज कह ही रहा है इसमें। नहीं नहीं स्वामी जी, आपका जवाब जो मैं चाहता हूँ, जो हिंदू पक्ष की अपील और दलील है, क्या ये आपको लगता है योग्य है 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर जो एक टेस्ट यानी कि जंग चल रही है उसके तहत जो बातें रखी जा रही है हिंदू पक्ष जो रख रहा है, यह आपको लगता है कि ये योग्य है जिस पर अदालत को सुनवाई करनी चाहिए? देखो हिंदुस्तान में हिंदू अगर अपना पक्ष नहीं रखेगा और उसको भी एक समय एक चैनल ये बताएगा अयोग्य है और वो भी साक्ष्य से सामने होने के बाद, तो मेरे हिसाब से हिंदुओं के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। साक्ष्य सामने है, हिंदुस्तान है, हिंदू लोग अपना पक्ष नहीं रखेंगे, अपने शिव की जो प्रकट हो गई है चीजें उसको उसकी मांग नहीं करेंगे, तो मेरे हिसाब से वो हिंदू तो है ही नहीं, कहां से हिंदू हुए? कोई भी हिंदू इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसी का कहीं ना कहीं सियासत फायदा उठा रही है, भारतीय जनता पार्टी इसी का फायदा उठा रही है, दूसरी पार्टियां इसका फायदा नहीं ले पा रही क्योंकि डॉक्टर टीना स्वामी विष्णु विनोदम जी का सबसे बड़ा आरोप कि भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा रही है। डॉक्टर शर्मा देखिए, फायदा नुकसान तो मुझे नहीं पता, चैनल पे बैठ के लोग फायदे नुकसान की बात करते हैं, लेकिन जब लार्जर पर्सपेक्टिव में चीजें देखने को मिलती हैं तो कानून में उसकी जगह है या नहीं है इसकी ही चीज पे हम बात कर रहे हैं। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ के या प्रधानमंत्री की टेबल पे बैठ के डिस्कशन नहीं हो रहा है और इसका फैसला भी नहीं हो रहा है। एक कोर्ट ने इसकी जांच करवाई है, इसकी वीडियोग्राफी कराई है, इसकी एक जांच कमेटी बनाई है, उन्होंने पहले 17 मई को अपनी रिपोर्ट जमा की, उसके बाद उन्होंने अब दोबारा उसकी हेयरिंग पे काम हो रहा है,
कोई और पिटिशनर्स भी जा रहे हैं। और देखिए जहां तक बात हो रही है कि अभी कुतुब मीनार की बात होगी, अभी ताजमहल की बात होगी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मनीष, अगर आप चोर नहीं हैं और मैं चोर नहीं हूँ, तो फिर डर काहे का, फिर डर काहे का, आपको डर किस बात का है? आप या तो ये कहिए कि आपको कोर्ट पे डेमोक्रेटिक तरीके पे विश्वास नहीं है। सर सर मेरी पार्टी को क्या है क्या नहीं है, ये आपको किसी ने बताया है? डर तो आपको है, या आपको कोई बताने आया था कि हमारी पार्टी को क्या है? क्योंकि फोबिया तो मुझे आपको आप सर फोबिया तो मुझे आप में लग रहा है। बैंक करप्ट हो गए, 20 लाख करोड़ रुपया लोग लेके भाग गए गुजराती। सर आप फिर तो फिर एक टॉपिक से कूद के दूसरे पाले में चले जाते हैं, क्योंकि आपके पास सवाल नहीं होता, बीजेपी सवाल का जवाब नहीं होता, अपना पक्ष रखने दीजिए। सलाउद्दीन साहब आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि धर्मगुरु ने कहा है, धर्मगुरु ने कहा है कि सियासत इसका फायदा नहीं उठाए। विष्णु महाराज ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी इसका फायदा उठा रही है, तो वो जवाब दे रही है, तो उनको उनका जवाब देने दीजिए, उनको उनका जवाब देने दीजिए। सलाउद्दीन साहब आपके पास आऊंगा, भरपूर समय है, लोकतांत्रिक तरीके से इंडिया का सवाल चलता है। सलाउद्दीन साहब आ रहा हूं, डॉक्टर शर्मा आप अपनी बात पूरी करें। मनीष मैं जवाब जैसे ही, पहले तो ये प्रश्न पूछते हैं, मैं जवाब जैसे ही देने लगती हूँ ये दूसरे प्रश्न पे कूद जाते हैं, ये एक मेंढक की तरह इधर से उधर कूदते हैं, क्योंकि इनको किसी बात से कोई मतलब नहीं है, इनको दुनिया को या लोगों को जो टेलीविजन देख रहे हैं उनको डाइग्रेस करना है। मैं फैक्ट्स पे बात करूंगी तो ये बाबरी मस्जिद ले आएंगे। सर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आप इस तरीके की बातें टेलीविजन पे मत कीजिए। जब आप ऐसी बातें करते हैं तो लोग आपको देखकर हंसते होंगे कि आप पब्लिक में कुछ और बात करते हैं, टेलीविजन में कुछ और बात करते हैं। सर ज्ञान व्यापी आपके और मेरे घर का मसला नहीं है। सर आजकल तो पति पत्नी के बीच का मसला भी घर में नहीं सॉल्व हो सकता, पति पत्नी के बीच का मसला भी कोर्ट का मसला है, स्टेट का मसला है, स्टेट वर्सेस पति पत्नी का केस होता है सर, स्टेट वर्सेस कोर्ट होता है। आप कहां से ज्ञान व्यापी के मसले को भारतीय जनता पार्टी का मसला बनाने पे तुले हैं? और आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? क्योंकि आपको सूट करता है सर, मुझे ये सूट नहीं करता। आप वर्शिप एक्ट को नहीं मानते हैं, आप कानून को नहीं मानते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? कानून को नहीं मानने वाले या बैठ के आपको जवाब दे रहे हैं सर? वर्शिप एक्ट बना हुआ है, आप उसको आप नहीं मानते हैं। जब सरकारें कानून को नहीं मानेंगी, अदालतें नहीं मानेंगी, तो कहां जाएंगे हम लोग गरीब कमजोर लोग, कहां जाएंगे? नहीं नहीं, आप देश तो का वकील है सर, अदालत नहीं मानती तो वकील किस लिए बने? एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालिए, अगर अदालत नहीं मान रही है तो आपको कोई जज करप्ट लगता है तो सर कैसे वकील है आप? आपसे ज्यादा वकालत तो मुझे आती है सर, आपसे ज्यादा वकालत तो मुझे आती है, आप किस टाइप के वकील है? आपने कभी प्रैक्टिस की है वकीला वकालत की? तो क्या होगा, चलिए ना अदालत, अदालतें कानून एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालिए, कानून मानना छोड़ देंगी, चैनल पे बैठ के इतनी बहसबाजी मत कीजिए सर। उस देश का क्या होगा? वर्शिप एक्ट 1991 एक्ट मैंने भी पढ़ा है सर, इस डिबेट पे आने से पहले मैंने भी पढ़ा है। आप मुझे कानून मत सिखाइए, आपको मुझे लगता है कि आप कानून नहीं मानते हैं, आप वकीलों का ना कानून मानते हैं ना जज मानते हैं, ना ज्ञान व्यापी का मसला मान रहे हैं, ना फैक्ट्स मान रहे हैं, ना विकिपीडिया मान रहे हैं, आप मानते क्या हैं? आप कहाँ मान रहे हैं? आप वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं मानते हैं? आप वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं मानते हैं? आपका बनाया हुआ कानून है, संसद का बनाया हुआ कानून है सर, कोर्ट में जाके बोलिए ना, मानते हैं आप? यही तो आप कोर्ट में जाके बोलिए ना सर, कोर्ट मानेगी ना? हम तो मेरा क्या लेना देना है, आप भी तो देश की नागरिक है, क्या लेना देना है सर? देश की सरकार की, सरकार की पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है, देश की नागरिक है आप, आपको नहीं मानना है कानून? क्या आप सरकार हमारे सरकार को और कोर्ट को एक साथ लाते है ना सर? आप सरकार और कानून को एक मेरे मानने वाली चीज नहीं है, कानून सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, मैं ऐसे पॉलिटिकल एजेंडा को लोगों को बताना चाहती हूँ कि सरकार ने देश को बांटा है, ये कांग्रेस की तर्ज पे चलते हैं, देश को बांटो और अपने आप को जो है वो साफ तरीके से निकाल लो। सवाल सपा का कांग्रेस का नहीं है मैडम, आपका एजेंडा चलानी, सवाल इस बात का है कि सरकार मानेगी कानून को नहीं, आपका एजेंडा यूपी के चुनाव में चलानी। आप पहले उस कानून को खत्म करा दीजिए। डॉक्टर टीना आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया है और जैसे ही आपने आरोप लगाया रत्नाकर जी की उंगली उठी है, रत्नाकर जी आप पर बीजेपी का सीधा आरोप है,
आरोप यह है कि तुष्टिकरण, देश बांटो, ये सारी नीतियां आपकी रही है जिसके कारण ये स्थिति है। मनीष जी मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं इनके हर एक प्रश्न का जवाब देता हूँ। किस तरह से ये चैनल पे बैठ के साफ नकार रही है कि इनका एजेंडा नहीं है। मैडम ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ ध्रुवीकरण के एजेंडे पे इस देश में चुनाव जीतने का काम कर रही है। 80-20 का फार्मूला जो आपको याद होगा, योगी जी ने कहा था कि हम 80-20 का फार्मूला पे लड़ाई लड़ेंगे, तो वो 80-20 का फार्मूला क्या होता है जरा आप बता दीजिए। आप जो कहती हैं ये ज्ञानवापी जो मसला है, ये ज्ञानवापी मसला इन्हीं ध्रुवीकरण के एजेंडे की एक कड़ी है। ये अयोध्या का मसला शांत हो गया, इनकी राजनीतिक रोटियां उस पर सिक चुकी थी, इसलिए ये जो है अयोध्या का ज्ञानवापी का मसला लेके आए। जब ये पूरा हो जाएगा तो मथुरा पे चले जाएंगे, फिर आगरा पे चले जाएंगे। अरे मैडम आप लोग यही खुदाई करके ही विकास सिर्फ दिखाना है तो देश दुनिया को दिखाइए। देखिए मनीष जी, आज हमारे लिए कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि ज्ञानवापी का मसला महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए महत्वपूर्ण है बेरोजगारी का मसला, जो देश में सर्वाधिक इस समय ऑल टाइम हाई 8% है। हमारे लिए इस समय मथुरा का मसला महत्वपूर्ण नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है बेरोजगारी का मसला, जो देश में 8% है। महंगाई का मसला महत्वपूर्ण है, जो थोक महंगाई 15% ऑल टाइम हाई पे है और खुदरा महंगाई 8% ऑल टाइम हाई पे है। तो हमारे लिए ये मसले महत्वपूर्ण है। गरीबी का मसला हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए ताजमहल का मसला महत्वपूर्ण नहीं है। जो 23 करोड़ जनता इसी भारतीय जनता पार्टी शासन काल में गरीबी रेखा के मध्यम वर्गीय लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे आ गए, तो ये क्या जवाब देगी मोहतरमा? ये कुतुब मीनार की 12 मंजिलों को 12 कमरों को खुलवाने का काम कह रहे हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। अरे मैडम आर्थिक मंदी जो देश में चल रही है, देश की फैक्ट्रियां बंद रही है, जो देश में गरीब का राशन भी छीनने का आप लोग काम कर रहे हैं, तो ये कौन सा मुद्दा है आप लोगों का? रत्नाकर जी जवाब ले लेते हैं, आपने सवालों की झड़ी लगाई है, अभी मानसून आने में वक्त है, प्री मानसून शावर की जिस तरह से आपने झड़ी लगाई। डॉक्टर टीना शर्मा जवाब देना चाहती हैं, प्रोफेसर जोशी आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर टीना, मुझे शर्म आती है मनीष, 7 डिकेड हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज रहा है, गांधी के नाम को सर आपका इनकैश हो गया सर, आपका प्राइम टाइम आपने इनकैश कर लिया, तो मुझे बोलने दीजिए, जवाब ले लीजिए। रत्नाकर जी भरपूर समय दिया जाएगा, वो अपना जवाब तो दें, प्रोफेसर जोशी इंतजार में। डॉक्टर टीना, मैंने कहा मुझे शर्म आती है कि 7 डिकेड्स जो है वो हिंदुस्तान में राज करने के बाद भी गरीबी का मसला आज ये उठा रहे हैं। और इनसे मैं 5 चीजें पूछ लेती हूँ कि सर ये बता दीजिए कि जो जीडीपी है वो आपके समय में क्या रही और आपने कितना आपने देश में क्या कर दिया? पहली बात, रत्नाकर जी तकनीक के जिस फॉर्मेट पर ये बहस हो रही है, एक वक्त पर अगर एक पैनलिस्ट बोलेगा तो एक दूसरे की आवाज सुन पाएंगे और दर्शक भी समझ पाएगा। डॉक्टर टीना अपनी बात पूरी करें, मुझे प्रोफेसर जोशी के पास भी जाना है। डॉक्टर टीना, हिंदुस्तान में 2014 से जब सरकार हमारी बनी है, ये हम सब जानते हैं कि पिछले 3 साल में हमने कोविड झेला है। हिंदुस्तान जो है वो विश्व के पटल पे एक सितारा बन के निकला है। लंदन की यूनिवर्सिटी में लंदन के प्लेटफॉर्म पे बैठ के राहुल गांधी क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोल पाते हैं वो हम सब ने देखा है सर। ये जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि उनमें ऐसा कौन सा टैलेंट है जो ये प्रधानमंत्री का चेहरा इनके पास वही है। आप मनीष जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस को ना अपना एजेंडा जो है ना वो अपनी संगठन को ठीक करने में लगाना चाहिए। हम बड़े स्ट्रांग ऑपोजिशन में विश्वास करते हैं। हमने यूपी के इलेक्शन में पूरा चांस दिया अखिलेश यादव को, अब अभी अखिलेश यादव की जमानत जब्त हो गई तो हम क्या कर सकते हैं सर? यहाँ सपा बैठ के गाना गा रही है या कांग्रेस बैठ के गाना गा रही है। मैं 70 सालों में गरीबी सर, सिखों का नरसंहार हुआ, जालियांवाला बाग हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ
कि ये सब किसकी पैदावार थी सर? डॉक्टर टीना, क्या डॉक्टर टीना रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी भी डॉक्टर टीना के निशाने पर है। समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रोफेसर जोशी आपने सुना डॉक्टर टीना ने क्या कहा है? बिल्कुल, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। बेड़ा गर्क किया सर, इनके एक दर्जन मंत्री हार गए और ये कह रही है अखिलेश यादव जी की जमानत जब्त हो गई, अखिलेश यादव जी के खिलाफ जो इनके बघेल जी ने लड़े थे उनका क्या हाल रहा, इनके एक दर्जन मंत्री हार गए, इनको अपना सामान्य ज्ञान और राजनीतिक ज्ञान ठीक करवा दू। एज ए प्रोफेसर भी मैं इनको बता दू, मैं इनको बताना चाहता हूँ यूपी में हमने क्या पाया है। हमारी 2.5 गुना सीटें बढ़ गई है मैडम, 1.5 गुना वोट परसेंटेज बढ़ गया हमारा और 2-4 पॉलिटिक्स हो गया। आप कहना चाहते हैं जो आपकी सीटें बढ़ गई हैं, लेकिन आपने कहा था आप तो यूपी जीत के आ रहे हैं। डॉक्टर टीना, डॉक्टर टीना, प्रोफेसर भास्कर जोशी इस समय प्रधानमंत्री तमिलनाडु के दौरे पर हैं, चेन्नई पहुंचे प्रधानमंत्री, जिनका रोड शो चल रहा है। सीधी तस्वीरें चेन्नई तमिलनाडु से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो के दौरान वहां मौजूद स्थानीय लोगों के अभिवादन को तस्वीरों में देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का तमिलनाडु दौरा, प्रधानमंत्री लगातार एक के बाद एक जिस तरह से अलग अलग प्रदेशों में प्रधानमंत्री के दौरे हैं, उसमें तमिलनाडु एक कड़ी, जिसमें चेन्नई में प्रधानमंत्री हवाई अड्डे पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता हुआ, लोगों से मुखातिब होते धीरे धीरे बढ़ता आगे बढ़ता ये काफिला प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री चेन्नई पहुँचे और चेन्नई हवाई अड्डे से सीधा प्रधानमंत्री का रोड शो। चेन्नई को 31,000 करोड़ की सौगात, प्रधानमंत्री विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास। इस वक्त की ये सीधी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई के दौरे पर, तमिलनाडु के दौरे पर, चेन्नई में रोड शो के जरिए धीरे धीरे आगे बढ़ता प्रधानमंत्री का काफिला, अलग अलग वेशभूषा में पारंपरिक लोकनृत्य के तहत प्रधानमंत्री का स्वागत करते चेन्नई वासी। सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर चेन्नई से। प्रधानमंत्री तमिलनाडु के चेन्नई की सीधी तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंचे हुए हैं और प्रदेश को 31,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। जी आइए चलते हैं अपनी बहस की ओर। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, डॉक्टर टीना शर्मा, सलाउद्दीन शिबू साहब और रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर जोशी, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं सलाउद्दीन साहब के पास जाऊँ। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी ने देश को गुमराह करने का काम करा है। इन्होंने कहा अखिलेश यादव जी की जमानत जब्त हो गई, इनको अपने अध्ययन को बढ़ाने के, मैं इनको हिदायत देता हूँ। इनके साथ मैं कहना चाहता हूँ इनके एक दर्जन जो मंत्री थे वो हार गए, इनके उप मुख्यमंत्री हार गए। और एक बात इन्होंने कहा था कि ये बता रहे हैं कि कुतुब मीनार तक पहुंच गए समाजवादी पार्टी वाले। विपक्ष का काम होता है मजबूत विपक्ष, उत्तर प्रदेश की भारत जनता ने हमको बना के भेजा है, जो हेट पॉलिटिक्स के बीच आप बोल रहे हैं और जिसका निश्चित तौर पर हम कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश तक नहीं, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र तक उसके बीच पहुंच गए। और मैं आपसे कहना मैं कहना चाहता हूँ मजबूत विपक्ष का काम होता है कि जो आपके हिडन एजेंडा है, जो कि धीरे धीरे जनता को पता चल रहा है, जो हेट पॉलिटिक्स आप करती है,
तो निश्चित तौर पे हमारा काम होता है उसको जनता को आगाह करना। वही काम यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के हैं से आप प्रोफेसर भुवन जोशी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप हमें विपक्ष को अपनी टूटी ना सिखाइए, आप अपना अध्ययन बढ़ाइए और इस तरह की भाषा हमारे नेता के प्रति ना बोलिए कि उनकी उनकी जमानत। सर जाटव जाटव मुस्लिम वोटों को साधने का काम कौन कर रहा था? जाटव मुस्लिम वोटों को साधने का काम कौन कर रहा था ये मैं अच्छे से जानती हूँ सर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं यूपी से आती हूँ, मैं यूपी की रहने वाली हूँ, यूपी की राजनीति मेरे टिप्स पे है। और रही बात जमानत जब शब्द यूजने की बात, तो मैं आपको बता दूं कि आप तो 300 सीट पार जा रहे थे सर, आप तो योगी की जमानत जब्त करा रहे थे। मैंने आपसे आपको आपको आईना दिखा के गलती कर दी, आपको बता दिया कि आप जिस फॉर्मेट पे चल रहे थे वो आपका फॉर्मेट चला नहीं। पहले आप कांग्रेस के साथ आए, इस बार आपने मांडवली कहीं और कर ली, बसपा आपके साथ आई नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप अपने आप को गुमराह कर रहे हैं सर। सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखे, ये जो सच और ज्ञान व्यापी से आप सीधा सपा के बायोग्राफी पे आ जाएंगे, मेरे को तो बड़ी हैरानी है सर। आप किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप किस तरह से प्रोफेसर जोशी मुझे सलाउद्दीन शिबू साहब के पास जाना है, छोटा सा रिबटल प्रोफेसर जोशी, छोटा सा रिबटल मुझे शिबू साहब के पास जाना है। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, बसपा और केएमआई हमारे साथ को आते ही बोलते इनके पार्टनर थे, इनके जो इनके साथ खेल रहे थे, फ्रेंडली मैच खेल रहे थे, उनकी हमें जरूरत भी नहीं है। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ आपके एजेंडे को जनता जान रही है, मजबूत विपक्ष के रूप में सड़क से लेकर सदन तक माननीय देश आनंद जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी आपके हेड पॉलिटिक्स की फोर्स रहेगी। जी जी हेट पॉलिटिक्स का शब्द ना लाएं प्रोफेसर जोशी, हेट शब्द में नफरत में बहुत सारी बातें छुपी होती हैं और वो नफरत किस अंजाम तक ले जाती है इसका किसी को कुछ पता नहीं होता। प्रोफेसर जोशी हेट की बात ना करें, नफरत के पीछे ही बहुत सारी बातें छुपी होती है। हमारे साथ सलाउद्दीन शिबू साहब हैं। सलाउद्दीन साहब, हिंदू पक्ष कहता है कि ज्ञानवापी के भीतर शिवलिंग होने का दावा है, देवी देवताओं की खंडित विग्रह मूर्तियां हैं और इसके साथ साथ वहां पर अगर बात की जाए कमल की आकृति, शेषनाग की आकृति, ये सब ज्ञानवापी के अंदर पाई गई हैं, इसलिए इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए, ये योग्य केस बनता है। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि ये केस अपने आप में पोषणीय है ही नहीं, जिस चीज पर स्पष्ट कानून आ चुका है उस पर किसी मुकदमे को दायर करना और उसका एडमिट हो जाना ये कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। दूसरी चीज, आपने पहले से तय कर लिया वो शिवलिंग है, आपने पहले से तय कर लिया कि वहाँ फव्वारा नहीं मूर्तियाँ हैं, अभी है एक तरफ आप सर्वे कराते हैं, सर्वे की रिपोर्ट अभी कोर्ट के अंदर दाखिल हुई है, सर्वे की रिपोर्ट पर कोर्ट का निर्णय आया नहीं है तो हम कैसे मान लें? हम 100 साल से 200 साल से वहाँ वजू करते आए हैं। अभी अभी दो दिन पहले एक महंत का बयान, जो कि वहीं रहते हैं उसी परिसर में रहते हैं, उन्होंने खुद कहा है कि 100 साल से लगातार और जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से हम लोग इसको फव्वारा समझते आए हैं, फव्वारा देखते आए हैं। और लिंग की आकृति की कोई चीज़ अगर फव्वारे में कहीं मिलती है तो ये कैसे कहा जाए कि ये शिवलिंग ही है? इस तरह की आकृतियाँ बहुत सारी थी। अभी आपको मालूम होगा काशी में जब कॉरिडोर बना तो 100-100, 200-200 साल, 300-300 साल पुराने मंदिर तोड़े गए, गवर्नमेंट ने तोड़ा, बहुत से सारे शिवलिंग तोड़े गए, बहुत सी मूर्तियां तोड़ी गई कॉरिडोर बनाने के लिए। तब तो किसी ने नहीं कहा, किसी ने कोई मुकदमा नहीं किया, क्योंकि वो जो काम था वो सरकार ने किया था, सरकार का दबाव था, किसी ने उस पर आवाज़ नहीं उठाई। और आज जो ये मुकदमे हैं इसके पीछे भी कहीं ना कहीं सरकारी हाथ है, कहीं ना कहीं सरकार के लोग लगे हुए हैं। तो ये तो एक साजिश है, ये तो एक प्लानिंग है। सलाउद्दीन साहब एक बात और सामने आई है, जहां तक सलाउद्दीन साहब मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन जहां तक जिस फव्वारे की बात हो रही है वहां पर पानी का कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा, इस तरह की भी जानकारी सामने आई है, तो वो फव्वारा कैसे? देखिए पानी का कनेक्शन वर्तमान समय में कहीं पे होना या ना होना, लेकिन पानी तो भरा था उसमें, लोग वजू कर रहे थे, आपने पानी को साफ करवाया है, ये तो हकीकत है कि पानी वहां पे था, वजू लोग कर रहे हैं, आप भी मानते हैं। तो अब पानी का कनेक्शन नहीं मिला या मिला नहीं, इससे ये थोड़ी ना तय होगा कि ये धार्मिक स्थल है, इससे थोड़ी ना तय होगा कि ये मंदिर है।
और जहां तक आप लोग आकृतियों की बात करते हैं, हर जमाने की अपनी अपनी एक टेक्निक होती है, एक टेक्नोलॉजी होती है। आज पहले मकानों में पत्थर लगते थे, आज टाइल्स लगते हैं, तो हर तरह की टेक्नोलॉजी होती है। गंगा जमनी तहजीब थी, एक दूसरे की लोग इज्जत करते थे। हो सकता है कोई टाइल्स ऐसा लगा हो कि वो स्वास्तिक लगता हो, या कोई टाइल्स ऐसा लगता हो जिसमें लगता हो कि मंदिर की आकृति है, लेकिन ये बात इस बात के लिए काफी नहीं है कि वहां पे मंदिर था। इसके लिए कोई स्पष्ट प्रमाण, स्पष्ट सबूत कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जी, स्पष्ट प्रमाण, स्पष्ट सबूत की जहां तक बात है, सलाउद्दीन साहब, इसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हो चुकी है और अदालत में वो दे दी गई है। जी हाँ, इंडिया का सवाल में आज हमारे साथ सारे मेहमान, हमारे साथ स्वामी विष्णु विनोदम महाराज जी जाए, हमारे साथ डॉक्टर टीना शर्मा, रत्नाकर सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और हमारे साथ सलाउद्दीन शिबू साहब जो कि अधिवक्ता हैं, हमारे साथ आए और उन्होंने अपनी बात रखी कि आखिर ज्ञानवापी मसला मेंटेनेबल है या नहीं, योग्य है या नहीं। उनकी अपनी राय थी, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जाते जाते इंडिया का सवाल खत्म करते करते मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मुसलमानों को लगता है मस्जिद में मीनारे हैं, गुंबद है, ये मस्जिद है। हिंदुओं को लगता है कि अंदर मंदिर की आत्मा है, ये मंदिर है। विवाद अदालत में है। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही, वक्त है एक छोटे से ब्रेक।